अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अगर मगर जगर आई अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की डगर। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाऊंगी। देखिए ये कौन कौन है? यह चित्र बनाने वाला है, ये गाना गाने वाला है, यह देश की रक्षा करने वाला है और यह खेती करने वाला है, या हम कह सकते हैं यह चित्रकार है, यह गायक है, यह सैनिक है और यह किसान है। दूसरी बार मैंने कम शब्दों में अपनी बात कही, फिर समझिए। जो चित्र बनाए चित्रकार, जो गाना गाए गायक, जो देश की रक्षा करे सैनिक, जो खेती करे किसान। यानी कि मैंने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया। कम शब्दों में बात कहना भी एक कला है। इससे बात आसानी से समझ आ जाती है, यानी कि भाषा को सरल और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। आइए अब ऐसे ही कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जाने। जो पढ़ाता है अध्यापक। घोड़े पर सवारी करने वाला घुड़सवार। घोड़ों के रहने का स्थान अस्तबल। जिसकी तबीयत ठीक नहीं है बीमार। भेड़ बकरियों को पालने वाला गडरिया। पक्षियों का घर घोंसला। जो मांस नहीं खाता शाकाहारी। जहाँ छात्र पढ़ते हैं विद्यालय। जो बीमारों का इलाज करता है चिकित्सक। जिसे देखकर डर लगे डरावना। जो चित्र बनाता है चित्रकार। जो भारत का रहने वाला हो भारतीय। जो किसी से ना डरे निडर। जिसे भूख लगी हो भूखा। लालच करने वाला लालची। जिसमें दया हो दयालु। तरह तरह के रंगों वाला रंग बिरंगा। जो मांस खाता है मांसाहारी। जहाँ पुस्तक रखी जाती है पुस्तकालय। जो आलस करता हो आलसी। जो आज्ञा मानता हो आज्ञाकारी।